नमस्कार, मेरा नाम निकिता ठाकुर है और मैं शिमला की ही रहने वाली हूँ। मैं 2019 से माउंटेनियरिंग फील्ड में हूँ और पिछले तीन सालों से प्रोफेशनली माउंटेनियरिंग कर रही हूँ। तो अभी जैसे कि इन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य क्या है, प्रमोट करना हिमाचल के पर्वतों को, उसके साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा यूथ आए, हमारे साथ आए और माउंटेनियरिंग फील्ड में आए। हम चाहते हैं कि यूथ नशे से दूर रहे। हिमाचल में भी नशा बहुत बढ़ गया है और हम इसलिए चाहते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स या माउंटेनियरिंग एक्टिविटी में हमारा यूथ आएगा तो वो बाकी की चीज़ों से दूर रहेगा। बस, थैंक यू। सॉरी, मेरा नाम ईशानी है और मैं एक माउंटेनियर हूँ। आई बिलोंग फ्रॉम शिमला। पिछले कुछ साल से हम माउंटेनियरिंग से जुड़े हुए हैं और हिमाचल में कई एक्सपीडिशंस कर रहे हैं। हमारा एक एम है कि हम माउंटेनियरिंग को प्रमोट करें हिमाचल में, कि टूरिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट माउंटेनियरिंग के लिए, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए हिमाचल आए। सेकेंडली, कि यहाँ पे जो रेस्क्यू की सुविधा है उस पर सरकार काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सके। कई सारी डिवाइसेस और टेक्निक्स है रेस्क्यू की जो एक पर्सनल लेवल पर एक टीम अफोर्ड नहीं कर पाती है और अवेलेबल भी नहीं होती है। तो कोई गवर्नमेंट बॉडी हो जिसको हम कॉन्टैक्ट कर सके, जो हमें रेस्क्यू इक्विपमेंट अवेलेबल करवाए और रेस्क्यू सर्विसेज के लिए भी सुविधा प्रोवाइड करे। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम है राहुल ठाकुर और मैं शिमला का निवासी हूँ और मैं एक पर्वतारोही हूँ। मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं माउंटेनिंग फील्ड में। जी, आज आप राजभवन आए हैं राज्यपाल से मिले, क्या उद्देश्य था मिलने का? जी, एक तो हमारा दो उद्देश्य हमारे खास तौर पर थे। एक तो हम चाह रहे थे कि हिमाचल को जो है, हिमाचल में बहुत सारे पर्वत है, पहाड़ है, तो हमारा मेन मकसद है कि हम हिमाचल को प्रमोट करना चाहते हैं माउंटेनिंग में। और दूसरा हमारा मकसद था सेफ्टी को लेकर, कि अगर कोई भी लोग देश दुनिया से क्लाइंबिंग करने हिमाचल आते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा सेफ्टी का जो है बहुत ही कम है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर कोई सेंटर इस तरह का हिमाचल में एक खुल जाता जहाँ पे लोग बेधड़क होकर क्लाइंब कर सके, ताकि हमें पता है कि अगर हम कहीं पे भी कॉल करते हैं तो हमारा रेस्क्यू सेंटर अवेलेबल है, वो हमारी हेल्प करने किसी भी टाइम पर पहुँच सकता है। जी, देखिए, वाइट एक्सपेडिशन के बच्चे आए थे और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उन्होंने लाहौल स्फीति के चाऊ चाऊ कांगिन जो है निल्दा जो चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6000 फीट से अधिक है, 6303 फीट की है, तो उसकी चढ़ाई उन्होंने किया है। चूंकि हिमाचल प्रदेश में अभी इसका प्रमोशन नहीं हुआ है, नहीं तो निश्चित रूप से ये कहीं कहीं समाज के लोगों के द्वारा, सरकार के लोग के द्वारा भी इसका प्रमोशन होना चाहिए। जहां आज हिमाचल को टूरिज्म की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो जब ये प्रमोट हो जाएगा तो अन्य जगहों के लोग भी, अन्य लोग जो माउंटेनिंग करते हैं, वो आकर के हिमाचल में की चोटियों पर चढ़ाई करेंगे। उन चोटियों का चढ़ाई करने के बाद जब वो जाएंगे तो समाज के लोग उसको जानेंगे, उससे एक हिमाचल की और प्रशंसा होगी, प्रगति होगी, अर्थव्यवस्था में भी उसको उन्नत करेगा। तो इस नाते आज ये बच्चे केवल इस नाते नहीं आए हैं कि अपने को बताने के लिए, बल्कि यह बच्चे हिमाचल की अर्थव्यवस्था को विकास देने के लिए आए हैं। और अभी एक बच्ची उसमें कह रही थी कि इससे नशा करने वाले लोग भी दूर होंगे और इससे जुटेंगे खेलों से, तो वह भी एक बहुत बड़ी बात होगी। जिस नशा के नाते हिमाचल आज बर्बाद होने जा रहा है, उससे भी उसका बचाव होगा। मैं इन लोगों के लिए सफलता की कामना करता हूँ और मैं समाज से, सरकार से भी इस बात की अपील करूँगा कि इसको प्रमोट करने के लिए वो आगे आए।